अस्सलाम वालेकुम एंड वेलकम बैक टू द चैनल। भाई कैसे हैं आप लोग? खैरियत से हैं? ठीक ठाक हैं? मजे में? भाई आज का दिन स्टार्ट करते के साथ ये देख ले, अब्दुल कबीर को स्कूल से भी ले लिया। अब्दुल कबीर आप कैसे हैं? ठीक ठाक हैं? वेरी गुड। आपका दिन कैसा गुजरा? अच्छा माशाल्लाह, वेरी गुड। भाई बेगम ने बोला मेरे मोबाइल को नई जिंदगी मिली है, तो जल्दी से जो है ना अच्छा सा एक कवर ले लें इसके लिए, और ये देखें स्क्रीन के ऊपर जो है ना प्रोटेक्टर लगा दें। तो ये प्रोटेक्टर भी लगा देते हैं, अभी धोराजी में हूँ तो यहीं पे एक शॉप है, चले जाते हैं आराम से। एसी की हवाएं लेट रही, मैं कवर लेके आता हूँ। हाँ ये बताएं, अगर ये स्क्रीन का खर्चा आ जाता तो कितने का खर्चा था? ये 24,000 रुपए का। ओए भाई बचत हो गई, ये अल्लाह ने बचा लिया खर्चा। भाई इसका कवर ववर लगा दें। वाओ, आपके भाई के पास यही वाला है जो मैंने पहना हुआ है, ये देखो। और भी बहुत सारे हैं यार यहाँ पे, अच्छे अच्छे लगा दिए प्रोडक्ट। वाह यार, पता भी नहीं चला। हाँ यार लग गया, ये देखें बड़ी सफाई से लगाया, बबल छबल नहीं आया इसके अंदर। अच्छा जी, अब प्रोटेक्टर तो लग गया, अब कवर ये देखें भाई, ये सारा थोड़ा सा लेडीज स्टाइल का कवर देखना पड़ेगा, ये सारा आदमियों के स्टाइल है। अब ये भाई बता रहे हैं कि ये सारे एंटी शॉक है, मतलब बचत करा देते हैं अगर गिर जाए तो। ठीक है ये देखें, क्योंकि कोने में जो है ना ये लगा होता है, इसके अंदर जो है ना एक्स्ट्रा क्वेश्चन उशन लगा हुआ होता है। ठीक है भाई, भाई ये 5 कवर मैंने दुकान वाले से ले लिए, मैंने बोला भाई गाड़ी में दिखा के आता हूँ, सो ये बेगम को दिखा देते हैं, वरना बाद में कहेंगे आपने अपनी मर्जी से ले लिया और मुझे बताया भी नहीं। पसंद कर लें इसमें से कौन सा अच्छा लग रहा है आपको, देख लें। सारे एंटी शॉक हैं, आप बार बार फेंकिएगा मोबाइल को, इंशाल्लाह बच जाएगा। वाह भाई बिल्कुल, मोबाइल जो है ना टिप टॉप हो गया। भाईजान कितना खर्चा हो गया? 350। वाह बेगम ये ले, आपके लिए नया मोबाइल लेके आया, ये ले मेरी तरफ से गिफ्ट, सैमसंग A32 आपको। प्लीज़ मेरा S21 वापस कर दें, घर जाके। अच्छा घर जाके, चले भूलिएगा नहीं, कर दीजिएगा। उसने बोला कि मुस्तफा भाई अल्लाह पाक ने आपका खर्चा बचा लिया 24,000 रुपए का। अच्छा। इसी बात के ऊपर मैं सोचा हूँ कि आज तुम्हारे साथ एक गेम खेलें। अच्छा, और उस गेम के अंदर तुम कैश प्राइज जीत सकती हो अगर तुमने मुझे हरा दिया तो। सही, क्या कहते हैं आप लोग? हो जाए फिर बेगम के साथ एक गेम चैलेंज हो जाए, जो जीता ना, अगर मैं जीता तो मेरे पैसे ही मेरे पास ही वापस आ जाएंगे। अगर बेगम जीत गई तो कितने रुपए का गिफ्ट होना चाहिए बताएं? 10,000 रुपीज। ठीक है, आज तुम्हारे पास अपॉर्चुनिटी है कि तुम 10,000 रुपए जो है ना जीत के दिखा दो। सही, ठीक है, क्या लगता है तुम्हें जीत जाओगी? वो तो सुनकर ही पता चलेगा कि आप क्या चैलेंज करना चाह रहे हैं। हम जा रहे हैं अभी बहादुराबाद, वहाँ से हम एक जो है ना बचपन की गेम खरीदेंगे जो हमने बचपन में सबने खेली हुई है। ठीक अच्छा। है, और जो वो गेम जीतेगा वो 10,000 रुपए जीतेगा। ठीक है, डन है, चले भाई बहादुराबाद। बॉस ने बोला भाई बहादुराबाद नहीं जाना है, डायरेक्ट घर जाना है। जी बॉस, ओके बॉस, ठीक है बहुत ज्यादा, घर लेके चलते हैं आपको। दुआ करती हूँ ना, माशाल्लाह दुआ कबूल हो जाती हूँ, अल्लाह ताला से दुआ कही थी मेरा मोबाइल ठीक हो जाए, माशाल्लाह देखो खर्चा बच जाए, खर्चा माशाल्लाह माशाल्लाह माशाल्लाह। बेगम मैं अपनी जितनी भी दुआएं ना आपको बताऊंगा, आप सारी दुआएं मेरे लिए मांगिएगा, बल्कि आप लोगों की भी कोई दुआएं हो ना आप लाजमी कॉमेंट कर दीजिएगा, और इंशाल्लाह मैं बेगम से इज्तिमाई दुआ भी कराऊंगा इंशाल्लाह। ऐसा होता है कि जब आपको कोई दुआ अपने लिए चाहिए हो ना तो आप दूसरों से करवाएं, सही ना, दूसरों को। यू नेवर नो कि आप जो है किसकी दुआ कबूल हो जाए, ये सीरियस बात है। बेगम आप बैठे, बहादुराबाद पहुंच गए भाई, यहाँ पे सारी लेफ्ट साइड पे और राइट साइड पे जाना खिलौने, राइट साइड पे तो नहीं भाई, लेफ्ट साइड पे सारी खिलौनों की दुकान है, ये देख रहे हैं आप लोग। अब चलते हैं जरा और एक गेम लेके आते हैं। ठीक है भाई, कैसे हैं? ठीक ठाक हैं, खैरियत से? फिशिंग गेम चाहिए है आपके पास? जबरदस्त जबरदस्त जबरदस्त। अच्छा ये वाली नहीं चाहिए, एक जो हम जब छोटे थे तो उस तरह की नहीं आती थी पुराने वाले स्टाइल की, वो चाहिए। ये देखें आजकल जो है ना चेंज हो गया भाई, आजकल थोड़ी आसान भी हो गई और इसके अंदर कम मछलियां हैं। आपको याद होगा ना जब हम छोटे थे वो वाली। ओए होए, गन चेक करें आप, कितनी बड़ी है यार। दोस्तों के साथ होना चाहिए एक बिल्कुल ना चैलेंज, जिसने जिसको ज्यादा गीला किया ना वो जीत। देख रहे हैं आप, वाटर गन है, ऐसी चीजों के अंदर बड़ा मजा आता है यार। भाई अब दूसरी शॉप में आए हैं और यहाँ पे सेकंड फ्लोर पे जा रहे हैं फिशिंग गेम के लिए। खुल जा सिम सिम, बंद हो जाओ बेटा, बंद हो जाओ, बंद हो जाओ। उस दुकान में बहुत सारी फिशिंग गेम थी लेकिन ज्यादा पीसेस वाली नहीं थी। गेम हम तभी खेल सकेंगे जब ज्यादा मछलियां हों, जितनी ज्यादा मछलियां होंगी उतना गेम के अंदर ज्यादा मजा आएगा। अब यहाँ पे देखते हैं, ये देखें यार पूरी दुनिया है, मतलब यार टॉयज की, मतलब लिफ्ट लगी है टॉयज शॉप में। ओए होए भाई, कितना बड़ा चिंपैंजी गोरिल्ला बैठा हुआ यहाँ पे। होए होए, ये है भाई ज्यादा पीसेस वाली, ये अच्छी है, ये अच्छी, कौन सी अच्छी भाई? नया मॉडल आया ये, पहले ये पुराना मॉडल है ना। ठीक है ये डन है, सही है, करवा लेते हैं ये, क्योंकि चाइना की चीज होती है, चल गई तो चांद तक, नहीं चली तो शाम तक, ऐसे ही है ना भाई? हाँ बिल्कुल ऐसे ही। एम इट एंड हैव इट यार, कितने टॉयज हैं, कितने टॉयज हैं यहाँ पे। और ये देखें, ये आपके भाई का जो है ना सबसे फेवरेट पोर्शन, वन ऑफ द फेवरेट पोर्शन आप कह सकते हैं, जहाँ पे आप देखें गाड़ियां ही गाड़ियां हैं। वाह, जिस तरह की गाड़ी मेरे पास है ना, जो मैंने कुमराट में कलाम में चलाई थी, वो पाकिस्तान में नहीं मिलती। अब ये सारा गेम स्टार्ट हो गया है, ये है जो आपकी जो है ना फिशिंग डोर होती है ना, ये आप डालेंगे, इसका मुंह खुलेगा बंद होगा, और जिसने ज्यादा जल्दी मछलियां निकाली ना वो जीतेगा। ठीक है, चले भाई डन हो गई पेमेंट। ओके भाई हो गया काम, चले भाई हो गया काम अपना, अब चलते हैं घर पे। अब तो कभी गेम आ गई।
लेकिन पहले मैं और मामा एक गेम करेंगे, इसके बाद आपकी। ओके डन। ये देखें बेगम, अब बताएं कि आपने बचपन में खेली ये गेम? नहीं मैंने नहीं खेली। नहीं खेली? वाकई नहीं खेली? ओए होए, चलें इसका मतलब आज आप पहली मरतबा मेरे साथ ही खेलने वाली है। ओए होए, ये देखें भैया भैया कर रहा है, इतना एक्साइटेड हो जाते हैं जब भैया आते हैं इसके। छत वाले कमरे में हम आ गए हैं बेगम के साथ चैलेंज करने के लिए, ठीक है अब्दुल कभी? अभी हम यहाँ पे क्या करेंगे? चैलेंज। ये देखें भाई, ये पहले मैं बैठ के यहाँ पे काम किया करता था, यहाँ पे देखें मैंने थोड़ा सा कॉर्नर बनाया हुआ था अपना, लेकिन अब मैं यहाँ पे बैठता नहीं हूँ तो हालत क्या हो गई, ये देख रहे हैं टेबल पूरा कचरा बन गया है सारा, अभी इसकी सफाई करते हैं। ये मेरी जो है ना गेमिंग चेयर। यार वैसे कितने लोग बोलते हैं कि मुझे जो है ना एक वीडियो गेमिंग के ऊपर बनानी चाहिए, GTA Vice City खेलें और उसके ऊपर जो है ना गेमिंग की एक वीडियो बनाए, बड़ा मजा आएगा। अगर ज्यादा लोग कॉमेंट करेंगे तो एक वीडियो बनाएंगे। बेगम आ जाए जल्दी। बेगम तैयार हैं आप? पक्की बात है? ये देखे पैसे ले आया हूँ, कड़क कड़क नोट है, 5,000 की एक नोट, फिर 1, 2, 3, 4, 5, और इसमें से किसी पे भी ईद मुबारक नहीं लिखा हुआ है, पक्की बात है। सही है भाई, चलें स्टार्ट करते हैं, देखते हैं ये वापसी मेरी जेब में जाएंगे या बेगम के पर्स में जाएंगे। ठीक है आ जाए। से ये जो दीवार है ना, ये जो लास्ट बारिश हुई थी ना जिन्होंने अच्छी खासी तबाही मचाई थी, उसी के अंदर ये दीवार बेचारी हमारी जो है ना फारिग हो गई थी और अभी तक सही नहीं हुई है। चल इंशाल्लाह इसको भी कराएंगे यार। ये निकाल लें जरा, ठीक है ये निकाल लें। ये जो है ना वो फिशिंग रॉड नहीं होती, बस सही है इस तरीके से ये, ठीक है। अब देखें ये जो है ना आपने ऐसे लटकानी है, जैसे ही मछली ने मुंह खोलना है ना आपने इसके मुंह में फंसाना है कांटा और फौरन से निकाल लेना है, ठीक है। आसरा नहीं करना बिल्कुल भी, अगर आपने आसरा कर लिया ना तो बस 10,000 रुपए मेरे हो जाएंगे, ठीक है स्टार्ट। ओए होए भाई ये तो बहुत मुश्किल है, मैं आ जाऊंगा। अबे भाई कोई ले ही नहीं रही मुंह में, और तो भाई क्या मुंह बंद ही नहीं कर रहे यार ये तो। आ जाए बेटे इधर साइड में आ जाइए, आ गई हैं थोड़ी सी ऊपर है, सही है। मुस्तफा बेटा महंगाई बहुत है, 10,000 रुपये हारने नहीं है, सही है। ओए होए 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 भाई मुंह ही खराब है इस मछली का तो। वो आप तो अपने हाथ से खोल रही है मुंह इसका? नहीं नहीं हाथ से नहीं, हाथ से खुलता ही नहीं है। सही है सही है भाई, हालत में आई मेरी। अब तो कभी कौन जीतेगा, कौन जीतेगा? मैं। हैं आप तो खेल ही नहीं रहे भाई। आप। मैं जीतूंगा ना? हाँ बस मैं ही जीतूंगा। चलें। ओए होए ओए होए होए मुंह क्यों बंद कर दिया। इसके तो दांत ही टूट जाएंगे मछली के। ये मछली तो जो है ना मुझे लग रहा है जिंदा ही नहीं है, ये मुंह ही नहीं खोल रही है, ठीक है। अब इसका क्या फैसला करें, चलें जो छीन सके वो छीन ले, सही है। ये अरे ये क्या हुआ, फंस गई। ये दोनों का काम खींच लो जिसकी तरफ चली गई। दोबारा एक मिनट, नहीं अभी रुक जाए इसका मुंह खुलेगा, नहीं मुंह खराब है। सही है। ओए मेरा वाला जो है ना, ओए तुम ले जाओ, रैम खाया मैंने तुम्हारे, जाओ ठीक है। अब भाई इसको बंद करते हैं, ठीक है। ये सारी मेरी अंदर थी। अच्छा ये अंदर भी छुपा ली थी तुमने? हाँ तो चले भाई अब जो है ना हम काउंट करने लगे, मेरा जो है ना धक 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 हो रहा है, ठीक है ना, धक 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 यहाँ पे धक 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 हो रहा है। तो कभी 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, ठीक है बेगम? 23, ओके। ये तो मेरी कम क्यों लग रही, 23 आपकी सही है। 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21 बाईस, यल्ला बाईस जीत, यल्ला एक से जीत गए, यल्ला दो से जीत गए, 24 थे ना मेरे, 23 से 24 थे। तुम्हारी 23 थी ना, 1, 2, 3 और मेरी 22 थी ना। हाँ मेरी 22 थी यार, मुझे यकीन नहीं आ रहा यार, मुझे यकीन नहीं आ रहा, ऐसा कैसे हो सकता है, नहीं मेरे 10,000 कहीं नहीं जा सकते, मेरे 10,000 कहीं नहीं जा सकते। ये जो आखिरी वाली जो मछली थी ना जो मैंने रहम खा के दे दी, चलो रख लो ये, उसकी वजह से सारी गड़बड़ हुई है। अगर वो ना होती ना तो मैच हो जाता ड्रॉ, और मैच जब ड्रॉ हो जाता ना तो इसके बाद होता दोबारा चैलेंज, लेकिन अब चैलेंज कोई मसला नहीं।
दो तीन चार पांच और दस। बेगम थोड़ा सा डिस्काउंट वगैरह, थोड़ा खर्चा पानी, नो डिस्काउंट, थोड़ा चाय पानी के रख लूं मैं, थोड़ा सा कुछ रख लूं मैं, दे दे, नो डिस्काउंट, ये ले, ये देखिए थोड़ा सा हाथ खुद टाइट हो गया है, दे दे बेगम, जज़ाकअल्लाह। आज का चैलेंज अगर मैं हार गया तो इसका मतलब ये नहीं है कि मैं दोबारा हार जाऊंगा, बेगम के साथ दोबारा भी चैलेंज करेंगे और जीत के दिखाएंगे इंशाल्लाह। ठीक है भाई, कल के व्लॉग में मिलते हैं, अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा और चैनल को भी सब्सक्राइब कर लीजिएगा, इंस्टाग्राम पे भी फॉलो कर लीजिएगा, डिस्क्रिप्शन में लिंक दे दिया है, फिर मिलते हैं, अस्सलाम वालेकुम।